साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं प्रवीण सुतरिया श्रमण आगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने पेश हो रहा हूं। आज मैं पूरी टीम को लेकर यहां वडनगर के जो एक बहुत पुराना बौद्धिस्ट केंद्र रहा था और हमारे भारत के वड़ा प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जन्मस्थल है और नरेंद्र मोदी को मैं ये धन्यवाद अदा करता हूँ आज के इस दिन पर कि काफ़ी अच्छी तरह से हमारे जो बौद्ध कोई विरासत थी जो हमारे सेकंड सेंचुरी और थर्ड सेंचुरी में जो बुद्ध का यहाँ जो बहुत सारा अवशेष मिले हैं, जो उनकी कृतियाँ मिली है, तो नरेंद्र मोदी सर ने यहाँ काफ़ी मेहनत करके ये काम किया है। और मैं वडनगर के इस बुद्धिस्ट स्थल के मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वडनगर को अतीत में अनंतपुरम, आनंदपुर, चंपकापुर, स्कंदपुर, नागरका जैसे विभिन्न नामों से हिस्टोरिकल इतिहास में इसको बताया गया है। ज़्यादातर लोग यहाँ उसको वडनगर से जाना जाता है, लेकिन जब हमारे देश में बुद्धा का सुवर्ण काल चल रहा था, जब मौर्य का शासन था, जब अशोक सम्राट अशोक चक्रवर्ती अशोक का शासन चल रहा था, तो उसको और जब चीन से यूएन संघ जब भारत आया तो आनंदपुर, अनंतपुरम का नाम उस पर दर्ज किया गया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये जन्म स्थल जो वडनगर है, मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि वडनगर के बुद्धों का बहुत बड़ा स्थल रहा था। और पूरे वडनगर में ज़्यादातर देखे गए तो जो अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से हमको दिखाया गया है कि वडनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से ज्यादा यह बुद्ध मठ मिले हैं। अभी जो मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, ये पुरातन विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत सारा खोद काम करके, खुदाई करके, ये जो हमारे देश की जो सभ्यता थी, हमारे देश की जो संस्कृति थी, जो बुद्ध विरासत थी, जो भारत बुद्धमय था, पूरे देश के अंदर जो हमारा सुवर्ण काल चल रहा था, इस देश का मूल धर्म था, जो हमारा धर्म जो था कि मानवता कल्याणवादी जो धर्म था, जो सबके साथ लेकर चलने वाला ये दम था, जो बुद्धा का दम था, जो भारत हमारे देश का जो पाटलिपुत्र का जो सम्राट अशोक चक्रवर्ती था, उसने इस जगह पर भी ये बौद्ध स्थल बनाया है, ये मठ बनाया है। ऐसे वडनगर में आज के तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा अभी देखा गया 10 बुद्ध मठों को यहाँ खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 10 से ज़्यादा बौद्ध मठ यहाँ मिले हैं। तो मैं आप सभी को पूरे भारतवासियों के आह्वान करना चाहता हूँ कि गुजरात के वडनगर के जो हमारे प्रधानमंत्री का निवास स्थान है, जो उसका जन्म स्थल है, और यहाँ की जो मिट्टी है, जो मिट्टी में हमारे गुजरात के प्रधानमंत्री, जो भूतपूर्व हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी में यहाँ की मिट्टी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, जो बुद्धा का जो शासन था, जो उसका दम था, इस दम में ये नरेंद्र मोदी का पालन पोषण हुआ है। और आज के दिन हमारे वडनगर में जहाँ आज हम आए इस टूर को लेकर, मैं 60 लोगों को लेके गांधीनगर से मैं वडनगर आया हूं, और हमारे प्रोफेसर साहब जो है, मैं प्रोफेसर साहब को भी बात करूंगा कि सर आपके गांव में हम आए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले मैं सबका वेलकम करता हूं कि आप सब इतनी दूर से यहां पे विजिट के लिए आए हैं। देखिए, हम सब जानते हैं दुनिया में अभी युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है। हम सब सबने देखा कि युद्ध की वजह से क्या क्या तकलीफें हो रही है। बुद्ध की जो फिलोसॉफी है वो इंटरनल डेवलपमेंट के लिए है, नेशनल डेवलपमेंट के लिए है, और हर एक सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए है। तो हमें ये करना चाहिए कि बुद्ध की जो फिलोसॉफी है उसको दूर दूर तक हर एक लोगों तक पहुँचाना चाहिए, और आप सब लोग यहाँ पे आए उसके लिए आप सबका मैं थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू सर। प्रोफेसर सर, मैं आपका हमारी टीम के तरफ से, श्रमण आगाज की टीम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ। और वडनगर में आपने हमको बुलाया, हमारी पूरी टीम को आपने स्वागत किया, इसके लिए आपको धन्यवाद अदा करता हूँ। और हमारे जो बुद्ध मठ है, जो ये जो पूरी हमारी विरासत है, आप देख सकते हो सर कि कहीं जमाने में एक जमाना था जब बुद्धा का पूरे भारत में और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में, जब पूरा देश विदेशों में अखंड भारत जब कहा जाता था, जब सम्राट अशोक ने भारत पर शासन किया, जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा गया इसको, तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने पूरे ईरान से लेके, तुर्की से लेके, मिस्र से लेके, बर्मा, पाकिस्तान, हर भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, सभी देशों जो आज अलग अलग हमारे देश से अलग है, लेकिन एक जमाना था जब चक्रवर्ती सम्राट अशोक का शासन था, उस सम्राट अशोक ने बुद्धा का विहार के लगभग 84,000 जो स्तूप बनाए, जो विहार बनाए, उनमें से एक सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो गुजरात के वडनगर में
जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विश्व गुरु बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन मैं उसको सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो आपको बुद्धि के रास्ते पर चलना होगा। बुद्ध एक ऐसा मार्ग है जो आपको विश्व गुरु बना सकता है। बुद्ध कभी युद्ध नहीं करते। बुद्ध जो है वो मानवतावादी धर्म है, जो आदमी आदमी को, इंसान इंसान को प्यार मोहब्बत करता है। और ये वडनगर की पहचान है कि हम मानवतावादी अभिगम से आगे बढ़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी आने वाले दिनों में ये काम करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ये वडनगर का हमारा बुद्ध विहार जो है, हमारी पूरी टीम ये आई है अभी और हम ये काम करने जा रहे हैं। देखिए आप, यहाँ जो वडनगर जो आज का ये शहर जो है हमारे गुजरात से, गांधीनगर से करीबन 80-90 किलोमीटर है और मेहसाणा से और विसनगर से नजीक है। मैं भारत के मूल निवासियों को खास करके ये कहना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि आप गुजरात जरूर आइएगा। और हमारे प्रधानमंत्री का जो ये जन्मस्थल है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिट्टी को मिट्टी के साथ खेले हैं और उस पर उसके मगज और मस्तिष्क में बुद्धा का पूरा विचार है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश में जाते हैं तब जाके वो बोलते हैं कि मैं बुद्ध के शहर से आया हूँ, बुद्ध के देश से आया हूँ। तो बुद्ध जो है आप देख सकते हैं, मैं सर आपको ये बताना चाहता हूँ, ये गुजरात का पूरा थोड़ा ये मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पूरे, देखो ये वडनगर जो है ये हमारा गुजरात का, ये जो जहां मैं आज खड़ा हूं वो वडनगर है, जो बुद्धा का सबसे बड़ा केंद्र रहा था। यहाँ के करीबन बुद्धा ने 1 से लेकर 1000 बौद्ध भिक्षुओं यहाँ रहते थे और बुद्ध भिक्षुओं यहाँ ने पूरा ये देश, ये पूरा गुजरात, ये वडनगर की बगल में आप देख सकते हैं सर, ये तारंगा जिसको बोलते हैं, जो बुद्धा का सबसे बड़ा है, वहां भी एक केंद्र है। ये देव की मोरी, जहां सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनाया था वहां बुद्धा का अवशेष मिला है। ये देव की मोरी गुजरात, ये पूरा जो गुजरात जो आप देख सकते हैं वो बुद्धा का गुजरात था। और मैं समानतावादी विचारधारा वाला एक बुद्धा था, ये अशोक का ये पूरा गुजरात था। सर मैं आगे आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं सर, ये पूरे ऊपर को केव्स देख सकते हैं सर, गुजरात के सब ये सब देखो सर, गुजरात एक बहुत बड़ा बुद्ध का केंद्र है। गुजरात की एक ऐसी विरासत है हमारे देश में कि आप देख सकते हैं सर, ये जूनागढ़ का है, आप देखो अशोक ने खुद यहाँ शिलालेख लिखाए हैं, ये शिलालेख आप देख सकते हो, हजारों स्थल हमारे गुजरात में बुद्धा, ये तारंगा हिल्स है, देखो सर ये साना केव्स, कहाँ कहाँ बुद्धा नहीं गए पूरे देश में और पूरे भारत में। जहां भी आप खुद काम करोगे, खुदाई करोगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से आप कहीं भी जाओ, आपके बुद्ध को सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भारत में और बहुत सारे काफी धर्म है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमारा जो खुद का धर्म है, मानवतावादी धर्म है, वो बुद्ध है। ये देखो सर, यहाँ सब यहाँ मिले हुए, ये हमारी संस्कृति जो है, हमारी सभ्यता जो है, ये ईस्वी सन 364 यानी ईसा पूर्व का ये पूरा जो ये सम्राट अशोक का ये सिंबल वाला ये सिक्का है, ये कॉइन्स है, आप देख सकते हैं सर, ये देखो। और हमारे उस जमाने में ये पूरा ये वडनगर में से जो मिले हुए हमारे ये बर्तन है, ये आप सर देख सकते हैं, ये आप देखो सर देख सकते हैं, ये पूरा अभी मैं ये पूरा स्ट्रक्चर दिखाने के लिए जा रहा हूँ आपको। ये अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, मैं ये आपको ये इस तरफ बता रहा हूँ, देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये खुदाई काम में जो प्राप्त हुआ है, और ये इसको ये इसका नक्शा ये है सर, ये बहुत बड़े पैमाने पर बुद्धा का यहाँ विहार मिले हैं। कहीं हजारों बुद्धिस्ट भिक्षुओं यहाँ रहा करते थे और उसके लिए हम, और एक बुद्ध विहार जो मिला है, पूरा 10 बुद्ध विहार वडनगर में है ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है। और वर्तमान ये जो मैं जहां से निकला था वो घासकोल दरवाजा के पास बौद्ध मठ आया हुआ है, ये घासकोल दरवाजा जो उसके गेट है उसके बगल में ये पूरा मठ है। ऐसे 10 मठ आने वाले दिनों में आपको दिखने को मिलेगा। ये ह्यूएन सैंग की तस्वीर है, देखो ये गुजरात से आए हुए, उसके जो उसकी डायरी है उसमें ये उसका वर्णन किया हुआ है, उसकी तारीफ की हुई है। तो हमें भी हमारे प्रधानमंत्री की ओर से अपेक्षा है, और नरेंद्र मोदी जो है हमारे गुजरात के हैं, इसी गांव के हैं, इस मिट्टी में बुद्ध की मिट्टी से मिले वो खेले हुए हैं। तो मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में गुजरात को एक बुद्ध विहार
यहाँ वडनगर में बहुत से ज्यादा बुद्ध विहार बने और बुद्धा की जो हमारी विरासत है उसको पूरे देश और विदेश में उजागर करे। ये सर देख सकते हैं आप, ये पूरा बुद्धा का अभी ये जो नया यह जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो किया है उसके बहुत सारे ऐसे मठ मिले हैं। एक मठ तो ऐसा मिला है सर बुद्धा का कि जहां पूरा एक बुद्ध भिक्खु विपश्यना करते हुए योग करता हुआ पूरा कंकाल जैसा पूरा एक मिला हुआ है। तो ये तो मैं आप सभी को ये बात कहता हूं कि आज श्रवण आगाज की ओर से मैं वडनगर में आया हूं। आप सभी को मैं आह्वान करता हूं, पूरे भारतवासियों को, बुद्धिस्टों को, हर 100 करोड़ 40 लोग जो भारत के हमारी जो जनसंख्या है सभी को मैं कहता हूं कि आप आइए वडनगर में और हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी के गांव में ही ये पूरा बुद्ध मठ जो मिला है उसका मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ जय बुद्ध, नमो बुद्धाय, जय भीम।